सो फाइनली वी आर बैक। सबसे पहले काम की बात पे आते हैं। प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तब भी देखें यार, कभी ना कभी तो लगेगा, बिकॉज इसमें एंटरटेनमेंट है, नॉलेज है, सब कुछ मिल रहा है यार। गाने शूट कर रहा हूँ मैं, और क्या जान लोगे बच्चे की। और कुछ लोग मुँह उठा के कमेंट कर देते हैं, बकवास गाने। भाई इतना ईजी नहीं होता है गाना शूट करना, एडिट करना, वो भी दो दिन के अंदर अंदर। जो अभी रिसेंटली जो गाना मैंने शूट किया है, एडिट किया है, वो गाना दो दिन में पूरा किया था, जहाँ पे हमने संडे को शूट किया है, मंडे की इवनिंग तक 7 बजे तक मैंने गाना कंप्लीट करके अपलोड कर दिया। कुछ तो वैल्यू दो यार, कुछ तो वैल्यू दो थोड़ी सी, सही बट गाने को वैल्यू मिली थी। बट थैंक यू फॉर इतना सारा प्यार देने के लिए उस गाने को, एंड आई एम सो हैप्पी, बिकॉज मेरे जैसे बिल्कुल नए इंसान के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी एक वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज़ चले गए हैं और पब्लिक आ रही है। बट प्लीज़ 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 मैं चाहता हूँ इस ईयर के लास्ट तक 500 का टारगेट पूरा कर लूँ, बिकॉज मेरे थोड़े से बड़े सपने हैं यार, समझो, प्लीज़ समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियोज़ को नहीं देखेंगे, वीडियोज़ को लाइक नहीं करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा कि वीडियोस अच्छी बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, कमेंट करें और बताएं मुझे। सो अपनी पूरी बकचोदी को यहीं खत्म करते हैं और काम की बात पे आते हैं। सो टुडे वी टॉक अबाउट गिम्बल। इसके बारे में आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। ये यंत्र हमारी मदद करता है वीडियो शूट करने में और अच्छे स्टेबलाइजेशन के साथ। तो आज का टॉपिक है, हमें गिम्बल लेना चाहिए कि नहीं। तो गिम्बल में पैसा लगाना बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज मैंने पहले भी हाथ से शूट करने की कोशिश की थी, मोनोपोड, ट्राईपोड, इन सब का यूज़ किया था। बट आप एक लेवल तक इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, स्टेबलाइज कर सकते हो फुटेज को, आप एडिटिंग में भी थोड़ा सा एफर्ट डाल सकते हो, बट सब कुछ नहीं हो सकता यार। अगर सब कुछ हो सकता तो ये क्यों होता। आज हम बात करेंगे ये हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और हाँ लेना चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे गिम्बल की कंपनियां अवेलेबल हैं मार्केट में, तो आपको कौन सा लेना चाहिए और क्या देख के लेना चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं हम रील्स पे। तो मार्केट में रील्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, और एक गिम्बल लो और आप एक रील्स शूट ना कर पाओ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मैंने रील्स शूट करी है इस गिम्बल से, और आप हर गिम्बल से रील्स शूट कर सकते हो, बट कुछ गिम्बल्स में आपको पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। पोर्ट्रेट मोड 9:16 वाला रील्स का फॉर्मेट होता है जो आप देख रहे हैं, और कुछ में ये अवेलेबल नहीं होता है। जो मेरे पास है DJI Ronin SC, इसमें पोर्ट्रेट मोड अवेलेबल नहीं है। आप एक सेटिंग से इसे पोर्ट्रेट मोड में डाल सकते हो, मोड का 2 बार बटन क्लिक करा, आपने पोर्ट्रेट मोड में डाल दिया, आपने इधर से उधर घुमाया और शूट हो गया। बट आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, आप इतने अच्छे से गिम्बल को उस मोड में यूज़ नहीं कर सकते हो, आपको फ़ायदा नहीं है ज़्यादा। तो उसका बेनिफिट क्या है, आप एक 2000 रुपये की एक एल प्लेट ले लो और वो कैमरे में लगा और आप यूज़ कर लो। बट अगर आप एक ऐसे गिम्बल में सीधा इन्वेस्ट करते हैं जिसमें आपको एल प्लेट का यूज़ करना ना पड़े, तो आप उसमें बेनिफिट है। अब उसका बेनिफिट क्या है मैं बताऊँगा, उसके लिए ही तो मैं बैठा हूँ। देखिए, आपका गिम्बल पेलोड के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ज़्यादा वो लोड उठा सकता है उतना ज़्यादा वो एक्सपेंसिव आता है, और बहुत सारे फीचर्स होते हैं उनमें अलग अलग। अगर मैं DJI Ronin की बात करूँ तो ये मैक्सिमम 2.5 के आसपास उठा सकता है। तो इसीलिए अगर आपको अपने कैमरे में एल प्लेट ना लगानी पड़े तो उससे आपको बेनिफिट है, ताकि आपके कैमरे का वेट नहीं बढ़ेगा और आप अच्छे लेंसेज यूज़ कर पाएंगे। थोड़े से अच्छे लेंसेज हैवी होते हैं तो उसकी वजह से आपका कैमरे का वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो अगर आप एल प्लेट भी लगाते हैं उसके साथ आपको यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपके वेट में फ़र्क पड़ता है। और वहीं पर अगर ऐसा गिम्बल आपको अवेलेबल मिल जाए जिसमें एल प्लेट लगाने की नीड ना पड़े, तो बेनिफिट आपका है। तो ये सब हो गई मार्केट की बातें, अब करते हैं आपस की बातें। तो आपको फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी तरह, और सच में मुझे फोटोग्राफी बहुत पसंद है, तो उसके लिए आपको सोचना चाहिए कि आपको गिम्बल में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, बिकॉज गिम्बल में इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक्सेस नहीं मिल पाता फोटोग्राफी का इतना अच्छा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आपने गिम्बल पे कैमरा लगा दिया, उसके बाद आप फोटोज क्लिक नहीं कर सकते इजीली, बिकॉज गिम्बल के साथ पेलोड वाली बहुत झंझटें हैं और बैलेंसिंग की भी। सो अगर आप सोचेंगे आपने गिम्बल पे कैमरा लगाओ आप फोटोज़ क्लिक करेंगे, तो नहीं, इतना कंफर्टेबल नहीं होता उसके लिए, और बार बार आप चीज़ें चेंज नहीं कर सकते इसके साथ। मोस्टली लोग गिम्बल ले लेते हैं बट वो यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है यूज़ करने का, और वो यूज़ क्या करें उन्हें भी नहीं पता। अब हर कोई गाना शूट नहीं कर सकता बिकॉज लोगों के पास इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, या वो करना नहीं चाहते। गाना शूट कर रहे हैं तो उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है, और हर कोई एडिटिंग नहीं करता शूटिंग के साथ।
और जो लोग करते हैं उनके पास पहले से इतना काम होता है कि वो ये सब नहीं कर पाते। तो मोस्टली लोग गिम्बल ले लेते हैं बट यूज़ नहीं करते इतना जितना उन्हें करना चाहिए, जितना उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। तो लेने से पहले सोच ले कि आपके यूज़ क्या हैं। अब ये आपके और मेरे बीच की बात हो गई है, बिकॉज मैं फोटोग्राफर हूँ और फोटोग्राफी में गिम्बल का दर्द मुझे पता है, बिकॉज मैंने खुद फेस किया ये चीज़। अब आते हैं बैलेंसिंग पे। अब बैलेंसिंग में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, अपने कैमरा कैप से लेकर आपकी स्क्रीन कैसी है उस तक। बिकॉज अगर आपकी स्क्रीन फ्लिप वाली है, बाहर को निकल जाती है, तब आप बैलेंस करेंगे तो आप अंदर उसे वापस फोल्ड नहीं कर सकते, उससे बैलेंस बिगड़ जाता है। अगर आपने गलती से कैप लगा के छोड़ दिया तब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा कैप निकालने पर। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें पहले से ही। तो ये तो हो गए उसके पॉइंट, लेने से पहले क्या सोचना चाहिए। बट आपको क्यों लेना चाहिए गिम्बल, अब वो बात करते हैं। फर्स्ट, गिम्बल आपको स्टेबलाइजेशन देता है वीडियोस में, सच में बहुत अच्छी स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। और उसके साथ एक अच्छा कैमरा और एक अच्छा लेंस हो जो अच्छा खासा फोकस और बहुत जल्दी करता हो, तो उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल 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 अच्छा होगा। इससे आप एक अच्छी खासी फुटेज निकाल सकते हो। आपको स्टेबलाइजेशन मिल रही है, आपको अच्छा खासा फोकस मिल रहा है जो जल्दी शिफ्ट कर रहा है। जितना अच्छा कैमरा होगा उतना अच्छा फोकस होगा और लेंस भी उतना ही फ़ायदेमंद होता है। गिम्बल लेने से पहले कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में आए थे, जो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको देना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं मिले थे वो आंसर, तो क्या पता आपके मन में भी वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, क्या गिम्बल यूज़ करना इजी है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं, गिम्बल यूज़ करना इजी नहीं है। आपको प्रैक्टिस चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज गिम्बल के साथ आपको जो भी क्रिएटिविटी करनी है वो प्रैक्टिस के साथ ही आएगी। दूसरा क्वेश्चन था, क्या मैं कैमरा गिम्बल को मोबाइल पर यूज़ कर सकता हूँ? तो बिल्कुल ना, आप कर सकते हैं। आप कैमरा गिम्बल में मोबाइल माउंट कर सकते हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है वो ज़्यादा हल्का ना हो। कोशिश करें थोड़ा सा हैवी सेट यूज़ करें। अगर आपका फ़ोन हैवी नहीं है तो उसमें बैक कवर लगा दें या कुछ हल्का सा उसका वेट बढ़ा दें, ताकि आपका गिम्बल बैलेंस हो पाए सही से। और रियलिटी में आपको बहुत अच्छी फुटेज मिलेगी, मैंने यूज़ किया है और मैं बता रहा हूँ